नमस्कार नॉलेज सफर इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं श्री क्षेत्र कचनेर जी की कथा महाराष्ट्र के औरंगाबाद शहर से सैंतीस किलोमीटर दूरी पर कचनेर ग्राम में अतिशय युक्त विघ्न विनाशक मनोवांचित फलदायक श्री एक हज़ार आठ चिंतावनी पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा विराजमान है उत्तरी भारत के श्री क्षेत्र जी के समान दक्षिण भारत में यह क्षेत्र विख्यात है प्राचीन काल में कसनेर ग्राम के मध्य बस्ती में एक जैन मंदिर था जिसमें चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति थी पूर्वापार चले आने वाले मौखिक इतिहास व भगवान की जयमाला अनुसार यह चतुर्थकालीन मूर्ति है मध्य काल में मूर्ति भंजकों के पाशवी कृत्यों से बचाने के लिए इस भुयारी मंदिर को मिट्टी से बुझा दिया गया हो लगभग दो सौ पचास वर्ष पूर्व एक गौ एक गाय नित्य सायंकाल जब जंगल से लौटती थी तब जहाँ भुयार का द्वार था उस जगह अपने स्तनों का दूध झराकर फिर गोटे में जाती थी यह दृश्य उस गांव के संपतराव की दादी प्रतिदिन देखती थी और आश्चर्य में डूब जाती थी एक दिन उसने गाय को जंगल में नहीं जाने दिया और बांध कर रखा सायंकाल का समय होते ही वह गाय रस्सी तोड़कर गोटे से निकली और नित्य दिन की तरह उस जगह जाकर दूध झराया दादी माँ इस चमत्कार को नहीं समझ सकी वह विचार करती रही एक दिन प्रातःकाल में उसने सपने में देखा कि गाय प्रतिदिन जहाँ दूर झराती है वहाँ भुयार का द्वार है और भुयार में एक मूर्ति है मूर्ति संकेत करती है मुझे इस भुयार से निकालो आपका कल्याण होगा दादी माँ की प्रेरणा से मिट्टी खोदी गई भुयार का दरवाजा प्रकट हुआ सीढ़ियाँ लगी भीतर स्वप्न के अनुसार सप्तफनायुक्त चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा पाई गई ग्रामवासी इस घटना से दंग रह गए भाव विभोर हो गए उस समय गांव में जैनियों की बस्ती नहीं थी इसलिए कचनेर ग्राम के दो किलोमीटर दूरी पर से जैन टेकड़ी नामक स्थान से जैनियों को बुलाया गया दिगंबर जैन प्रतिमा उन श्रावकों को सुपुर्द की गई भगवान विराजमान करने के लिए गांव में एक बाड़ा खरीदा गया यथाविधि श्रद्धा व भक्ति के साथ उस बाड़े में प्रतिमा विराजित की गई कुछ वर्षों बाद एक शोकदायी अशुभ घटना घटी अचानक मूर्ति की गर्दन धड़ से अलग हो गई और जमीन पर गिर पड़ी धड़ वेदी पर ही रहा मूर्ति खंडित हो गई खंडित प्रतिमा को जलाशय में विसर्जन करने का निर्णय समाज ने लिया तथा पूजा दर्शन के लिए एक नई प्रतिमा लाने का संकल्प किया भगवान महावीर की प्रतिमा श्री क्षेत्र जिंतूर से लाई गई यह मूर्ति लाते समय महाद्वार पर और विराजमान करते समय वेदी पर अतिशय युक्त घटनाएं घटी नई मूर्ति आने के बाद यथा समय श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की प्रतिमा जलाशय में विसर्जित करने का निश्चय हुआ इस बीच क्षेत्र के कार्यकर्ता पिंपरी निवासी श्री लच्छीराम जी कासलीवाल को स्वप्न में दृष्टांत हुआ प्रतिमा ने संकेत दिया कि मुझे विसर्जित मत करो एक कमरे में गड्ढा बनाकर मुझे उसमें रख कर घी शक्कर से गड्ढा भर दो कमरा बंद कर ताला लगा दो सात दिन तक अखंड भजन पूजन करते रहो मेरा धड़ और गर्दन जुड़ जाएगा श्री लच्छीराम जी कासलीवाल सेठ जी ने समाज को स्वप्न के दृष्टांत की जानकारी दी स्वप्न के अनुसार कार्यवाही करने का समाज ने निर्णय लिया मंदिर के भीतर एक कमरे में गड्ढा खोदकर दृष्टांत अनुसार प्रतिमा रखी गई कमरे को ताला लगा दिया गया सात दिन के अखंड भोजन पूजन पश्चात आठवें दिन कमरे का ताला स्वयं खुल गया दरवाजे की संकली भी अपने आप कोंडे से निकल गई दरवाजा स्वयं खुल गया लोगों ने देखा चिंतावनी पार्श्वनाथ की खंडित प्रतिमा पुनश्च जुड़ गई लोगों ने आनंद विभोर हो जय जयकार किया यथाविधि प्रतिमा पुनश्च वेदी पर विराजमान की गई प्रतिमा खंडित होने के निशान अब भी प्रतिमा के गर्दन पर दृष्टिगोचर होते मूर्ति का सातिशय चमत्कार सब दूर फैल गया लोगों ने विघ्न विनाशक मनोवांचित फलदायक मूर्ति का चमत्कार अनुभव किया तो ये था श्री क्षेत्र कचनेर जी का अतिशय आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस प्रकार के नए नए वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए